पबजी मोबाइल में रॉयल पास सीजन 4 का अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको मिलेगी एक M762 ऑटोमेटिक राइफल, सैनहॉक मैप में एक स्कूटर दो प्लेयर्स के लिए, डायनेमिक वेदर ऑप्शंस, एक हार्डकोर मोड, नए मिशन कार्ड्स हार्डर मिशंस के लिए, नए फायर आर्म फिनिशेस, हेयर स्टाइल्स और रेयर आउटफिट रिवॉर्ड्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में 20 साल पूरे कर लिए हैं। ISS के पास अब 16 मॉड्यूल्स हैं और अब इस स्पेस स्टेशन का साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा हो चुका है और इसका वजन है अब 460 टन। गूगल की नेबरली ऐप अब भारत में दिल्ली और बेंगलुरु में भी उपलब्ध है। ये ऐप आपके पड़ोसियों की मदद करने के लिए है और इस वक्त ये ऐप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, मैसूर, विजाग, कोची और कोयंबटूर में उपलब्ध है। We think we can help users with their digital well-being in four ways. Google का digital well-being feature कुछ नए improvements के साथ अब Pixel और Android One phones के लिए भी उपलब्ध है। Digital well-being Android Pie का सबसे interesting feature है, जिसे Apple ने screen time के नाम से iPhones के लिए launch किया था और अब Facebook और Instagram भी ये feature अपनी apps में ला चुका है। Tobacco and marijuana in there. That's all it is. SpaceX और Boeing के फाउंडर इलॉन मस्क ने कुछ समय पहले जो रोगन के एक शो में मैरिजुआना का सेवन किया था, जिसके बाद नासा ने दोनों कंपनीज की एक कल्चरल असेसमेंट कंडक्ट करने की घोषणा की है, ये देखने के लिए कि दोनों कंपनीज नासा की ड्रग फ्री एनवायरनमेंट पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं या नहीं। तो ये था 21 नवंबर के लिए डिजिट डेली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और बाकी टेक न्यूज़ के लिए डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।